गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसे फोर्ट में जाने वाले हैं जिसके नाम में ही डिफिकल्ट या मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ कठिनगढ़ फोर्ट के बारे में, जिसको तुंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको कठिनगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हाइक करना और इसको कॉन्कर करना दोनों ही काफ़ी कठिन हुआ करते थे एक ज़माने में। पर ये फोर्ट क्या अभी भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। विल नो दैट आफ्टर वी फिनिश द हाइक। सो जॉइन, कम अलॉन्ग एंड विल सी समथिंग न्यू टुडे। हर दिन की तरह आज की शुरुआत भी सुबह 5 बजे हुई, जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पुणे में मेरे घर से पिक किया। बस थोड़ा सा इंतजार और मैं आपको सभी दोस्तों से मिलवाता हूँ। बट बिफोर दैट, लेट्स टेक अ ब्रेक एट द फेमस इनफेमस टाइगर पॉइंट इन लोनावला। अभी हम रास्ते में हैं, छोटा सा एक ब्रेक लिया है चाय पीने के लिए। सुबह की शुरुआत बिना चाय के तो नहीं हो सकती। सो नीड टू स्ट्रेच आवर मसल्स, गेट सम चाय इन एंड देन गेट गोइंग अगेन। Over my shoulder, this past time won't help me getting over it. I don't know what I'm bringing in closer. With chai in our veins, we started again. While we are on the road, मैं इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस फोर्ट को 17वीं शताब्दी में आदिल शाह डायनेस्टी ने बनाया था एंड सून आफ्टर इट वॉज कैप्चर्ड बाई शिवाजी महाराज। इट्स नॉट एट ऑल अ बिग फोर्ट, इन फैक्ट इट्स मोर ऑफ अ लुकआउट फोर्ट फॉर अदर मेजर फोर्ट्स इन द एरिया। करीब एक घंटे के बाद हम लोग तुंगू फोर्ट के बेस पे पहुंच गए। बेस पे एक बहुत सुंदर हनुमान मंदिर भी है, वहाँ पार्किंग कर सकते हैं अपनी गाड़ी या बाइक की। हमने वहाँ अपना मत्था टेका और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। सो इस हाइक में मेरे साथ 3 लोग हैं। सबसे पहले विशाल, जिसकी गाड़ी में हम आए हैं। विशाल, इफ़ यू डू नॉट नो, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाइज इन पुणे। ही ओन्स एंड रन्स द पगडंडी कैफे। देन वी हैव सिद्धार्थ, या अनदर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इज़ एन आईटी कंसल्टेंट। एंड वी हैव रिचा, एंड शी डज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्क अमंग्स ऑल ऑफ अस। सो शी वर्क्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन जो आर्ट क्यूरेट करते हैं, एंड दे वर्क विद द ऑक्शन हाउसेज एंड आर्टिस्ट्स आई गेस टू हेल्प सेल आर्ट, इंडियन आर्ट। हू, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग ग्रुप। आई थिंक that will make the hike also quite interesting. So we are done with maybe the halfway through point of the hike right now. The most online forum says ki ye kafi easy hike hai. Sachai to ye hai ki agar aap monsoon ke time pe aate hain, then there are a lot of big rocks, there's a lot of water flowing down, so it can get tricky at points. Thoda slippage ho sakta hai, so you have to be quite careful if you're coming in monsoon. To aaj ka mausam abhi tak kafi acha raha hai, barish nahi ho rahi hai, but I can imagine agar barish ho jaye, then this is gonna get quite tough. But yeah, abhi tak acha hai. आप देख सकते हैं मैं काफ़ी हाफ रहा हूँ, क्योंकि या जस्ट क्लाइम्ड अ स्मॉल टाइनी पैच ऑफ हिल जस्ट नाउ, बट लेट्स कीप वॉकिंग। दिस इज ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, एप्पल। विशाल अपने साथ लेके आ गया, खुदा कर रहे हैं मैं, एंड आई कैन ईट दिस नाउ एंड गेट सम मच नीडेड एनर्जी फॉर रेस्ट ऑफ द हाइक। वी डोंट नो हाफ वे पहुँचे हैं या क्वार्टर पहुँचे हैं या वी आर ऑलमोस्ट देयर, नो आइडिया, जस्ट कीप वॉकिंग। आई एम नॉट एन एलिगेंट ईटर। As we took a small break to drink water, I asked everyone what they felt so far. Unfortunately, Richa ka jo video tha wo corrupt ho chuka hai, so she's missing here. Let's start with Vishal though. Definitely not, wasn't expecting as steep a climb as this. You told me that, you know, this is also called as Kathingad, and we should have taken that Kathin seriously.
बारिश में आया पहली बार, so you guys are the guinea pigs for that. But it is much more beautiful than it was in like in the winters. It'll be all be brown. और हम लोग गुफ्तगू करते हुए आगे निकल पड़े. जर्नी इतनी सुंदर थी कि मैं रास्ते में फोकस ही नहीं कर पा रहा था. दिस ब्यूटी वॉज डिस्ट्रैक्टिंग. सो हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुके हैं फोर्ट के. कठिनगढ़ फोर्ट की कठिन हाइक के बाद मेरे पीछे जो दरवाजा है इसका नाम है गणेश द्वार. ये पहला दरवाजा है, यहाँ से फोर्ट की शुरुआत हो जाती है. अभी और ऊपर हाइक किया जा सकता है एंड देयर आर फ्यू मोर फोर्ट वॉल्स ऑल अराउंड. तो या लेट्स डू दैट. But we are technically on top of the fort. Nice. And now we have reached the second gate. दूसरे द्वार पे हम पहुंच चुके हैं और इस द्वार का नाम है हनुमान द्वार. ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड सा है, मे बी रेस्टोर किया हुआ है. यहाँ पे थोड़ा मेटल का भी डोर है एंड देयर इज आल्सो अ स्मॉल हनुमान आइडल विच इज जस्ट आउटसाइड द गेट, जस्ट इन केस यू कंफ्यूज कि इस द्वार का नाम क्या है. पर इट सीम्स जो हमने अभी तक देखा था वो फोर्ट का सिर्फ इनिशियल पार्ट था. जो मुख्य फोर्ट है वो तो काफ़ी ऊपर है. There's a lot to walk. ऐसा लग रहा है एक घंटा वहाँ पहुँचने में लग जाएगा. Buckle up, move fast. And we continued our climb, sometimes quite slowly, but without really taking any breaks. तो ये जो हिस्सा है इस हाइक का, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि नैरो सा पाथ है, एकदम एज में है पहाड़ के. मॉनसून में थोड़ा स्लिपरी भी हो जाता है. सो स्पेशली इफ यू आर कमिंग व्हेन इट्स रेनिंग और राइट आफ्टर रेन, केयरफुली चलिए क्योंकि आप स्लिप करके सीधे नीचे जा सकते हैं. सो जस्ट बी सेफ. पहुंच गए फोर्ट के वॉच टावर पे एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कठिनगढ़. कितना कठिन था ये तो अभी बाकी लोगों से भी पूछते हैं, पर इट्स डेफिनेटली नॉट एन इजी हाइक. आई थिंक ये मीडियम जैसा हाइक है, स्पेशली अगर आप रेनी सीजन में या मॉनसून में आते हैं. हाँ, बट द व्यू इज़ नाइस हियर. क्लाउड्स हैं पर बहुत थोड़े से हैं तो बहुत सुंदर है. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ बकरियाँ हेयर फॉर कंपनी. ये लोग प्लान कर रहे हैं कि बिरयानी बनाएंगे आज. So yeah, that's gonna be lunch. We'll just pick one of those and cook them soon. Wasn't that tough? It wasn't that tough. Apart from that, as you can see, if you look around, it's amazing. The whole lake surrounded by the lake. I think the second half was much easier. I'm curious why we are the only ones here. This is the first trek I've been on where we've been the only humans. There's not even a villager in sight. But that has its own special, unique feel, you know, being alone on top of a fort. Definitely it's very scenic. The view of the, it's beautiful. It's the expanse is beautiful to look at. It's not difficult. As long as you're careful, you should be okay. And I don't think so going down would be a problem either, as long as we are careful. Yahan ek chhota sa mandir bhi hai, which I'll show you. So this is the mandir here. We started our descent after spending about 45 minutes on top of the fort. ये काफी छोटा फोर्ट है और यहाँ पे करीब 200 सोल्जर्स ही फिट हो पाते थे पुराने जमाने में भी.
जितना समय हमें ऊपर जाने में लगा उसका केवल आधा समय ही नीचे जाने में. Frankly speaking, I was really worried about slipping on the rocks here, but that never really happened. हम में से कोई भी नहीं लुढ़का. So we are on our way down अभी और मौसम बिल्कुल ही सनी चिलचिलाती सी धूप आ गई है. It's really bright, blue skies. But the good thing is कि हम नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे. अगर ऊपर जा रहे होते तो वाट लग जाती. So this is good weather, I think. In half an hour or so, we should reach down. नीचे का थोड़ा सा पैच, थोड़ा सा पैची है. Let's see, वो थोड़ा अच्छे से हो जाए. So it seems ये फोर्ट में आने के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता था, घोड़ों के लिए बनाया गया था. इतना बड़े अच्छे लोग थे जिन्होंने फोर्ट बनाया था. पर जब ये ब्रिटिश लोग आए, अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया रास्ते को और ये रास्ता इतना मुश्किल हो गया कि अब यहाँ पे इंसान जान की बाजी लगा के आना पड़ता है. सो ब्लेम द ब्रिटिश फॉर दिस. We finally ended our morning at this beautiful meadow full of flowers. See you in the next video.